अस्सलाम वालेकुम, आदाब। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट शो में जिसका नाम है जैक्स टॉक। आज के हमारे गेस्ट है हमारे खामगांव शहर के दो ऐसे स्टूडेंट्स और उनके कोच सर, जिन्होंने पूरे देश में और पूरे इंटरनेशनल लेवल पर हमारे गांव का नाम रोशन किया, अपने एरिया का नाम रोशन किया। ये बच्चे कूडो, जो मार्शल आर्ट्स की एक टाइप है, कूडो में इंटरनेशनल लेवल पर खेलने के लिए, इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए सिलेक्ट हुए। आज हम इनसे बात करेंगे कि कैसे उन्होंने इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया, कहाँ से शुरू किया और अभी वो कैसे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, और उनके सर से, कोच सर से भी बात करेंगे कि कैसे उन्होंने बच्चों को यहाँ तक लेकर गए। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का अपने प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ और आपको अपनी तरफ से और पूरे खामगांव शहर की तरफ से, अपने व्यूअर्स की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि आपने बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया। ये हमारे लिए एक प्राउड की बात है कि हमारे शहर से कोई स्टूडेंट्स इतनी बड़ी लेवल पर जा रहे हैं। नॉर्मली स्पोर्ट्स में इतनी कोई लोग दिखाते नहीं हैं, स्पोर्ट्स को इतनी अहमियत नहीं देते, आप लोगों ने दी, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने ये फील्ड कैसे चुनी, कैसे आपको ख्याल आया है कि स्पोर्ट्स में जाना चाहिए। नॉर्मली ऐसा होता है कि बच्चों को जब खेलने का कोई स्पोर्ट्स का ख्याल आता है तो एक ही स्पोर्ट्स एंड में आता है, ज़्यादातर हमारे एरिया में क्रिकेट, बस क्रिकेट खेलेंगे और वहाँ पर एंड कर देंगे। तो आपने ये कैसे सोचा कि हमको ये करना है? मैं जब थोड़ा छोटा था, 9-10 साल का जी, तब मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आपका वेट बहुत बढ़ रहा है जी, आप थोड़ा मेहनती गेम लगाओ। और मुझे तब बच्चे भी बहुत बुली किया करते थे जी। तो फिर मेरे फादर ने मुझे सजेस्ट किया कि कराटे लगाओ। इसकी वजह से आप इस फील्ड में yes. जी नहीं, आपने जो बताया कि आपको डॉक्टर ने ये सजेस्ट किया कि आप मेहनत का गेम लगाओ, इसी से पता चलता है कि इस गेम में बहुत मेहनत करनी होती है yes. आपने बहुत मेहनत की तब जाके आपको इतना बड़ा प्लेस मिला। और फरहान, आपका क्या है? हमारा तो हमने 10th के पेपर दिए थे जी, 11 और 12 के बाद, 11 से हमने ये कोच लगाए थे जी, कोचिंग सर के पास जी। हमारा पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं था जी, इसलिए अब्बू ने हमारे सोने सर के पास हमको कोचिंग पे भेजा, वहाँ से हमने शुरुआत की और सर ने हमारा साथ दिया। तो आज हम डिस्ट्रिक्ट खेल पा रहे हैं, स्टेट खेल पा रहे हैं, नेशनल खेल पा रहे हैं, उसके बाद आज इंटरनेशनल में हमारा नंबर लगा है, इंडिया की तरफ से हम सिलेक्ट हुए। तो हम मेहुल सर और हमारे अक्षय सर, इनका आशीर्वाद हमारे साथ है, तो और सुनले सर, इन तीनों का आशीर्वाद हमारे साथ है, तो आज हम इस लेवल पर खेल पा रहे हैं। ये हमारे सुखराज चौहान जी, जिन्होंने उनका बताया, और मोहम्मद फरहान भाई, इन्होंने इनका बताया कि कैसे ये इस फील्ड में आए। राजेश सोनले सर, ये इनके कोच है, जिन्होंने उनको गाइड किया, यहाँ तक पहुँचाया। तो सर से भी हम बात करेंगे। सर, जब आप ये बच्चों को आपने कोचिंग देना शुरू की तो इनकी तरफ से कैसा कॉपरेट था? क्योंकि एक ऐसा होता है कि टीचर तो अपनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन बच्चों की तरफ से वो रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता, ऐसा होता है नॉर्मली, लेकिन ये बच्चों ने कैसा आपको कॉपरेट किया? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर ये बच्चे मेरे पास में आए तो इनके पेरेंट्स का बहुत बड़ा मुझे सपोर्ट था जी। पेरेंट्स अगर मुझे मेरे क्लास पे अगर बच्चे नहीं भेज पाते तो शायद ये दो बच्चे हमारे खामगांव शहर या बुल्ढाणा जिले का या विदर्भ का नाम रोशन नहीं कर पाते। कि पिछले 3-4 सालों से मेरे साथ लगातार प्रैक्टिस कर रहे, 3-4 साल से कंटिन्यू डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल खेल रहे, और इनका जो भी खर्चा होता है इनके पेरेंट्स ये खर्चा उठा रहे हैं। अगर पेरेंट्स इनको नहीं भेजते तो शायद ये कहीं गलियों में क्रिकेट खेलते ही रह जाते, जैसा आपने बोला कि क्रिकेट का ज़्यादा ही हमारा माहौल है आजकल, लेकिन मार्शल आर्ट का माहौल नहीं है। मार्शल आर्ट कूडो मिक्स कॉम्बैट स्पोर्ट करके है ये, 2010-11 में सियान बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार सर ने यहाँ इंडिया के अंदर जापान से लॉन्च किया। और मेरे जो कोच है हंसी मेवलोरा, जो हेड कोच है कूडो इंडिया के, उनके आशीर्वाद से मैं बुल्ढाणा जिले में पिछले 11-12 सालों से कूडो को रन कर रहा हूँ। और अभी लगभग हमारे पास में 40-50 बच्चों की संख्या, दो ब्रांच है मेरे, दोनों ब्रांच में 40-50 बच्चे खामगांव में प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसी के साथ में हम लोग वुमन सेल डिफेंस, जो अक्षय सर का बॉम्बे में हेडक्वार्टर में चलता है, वैसा मेरा यहाँ छोटा एक सेंटर चलता है, लड़कियों को फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग वुमन सेल डिफेंस सिखाते हैं। आने वाली सभी स्पर्धाओं के लिए हम बच्चों को यहाँ से तैयारी करते हैं। सर, ये आपने बहुत बड़ी बात बताई कि 40-50 बच्चे आपके पास ट्रेन कर रहे हैं। आपने एक कुछ नया हमारे शहर में लाया कि बच्चों को एक नया रास्ता मिला,
क्रिकेट छोड़कर क्रिकेट फुटबॉल, फुटबॉल भी हमारे यहाँ पर इतना क्रेज नहीं है नॉर्मली, बस क्रिकेट और वो भी एक बस अपना गली लेवल पर ग्राउंड पर बच्चे खेल रहे, आगे कहीं जा नहीं पा रहे। लेकिन आपने एक नई दिशा दिखाई बच्चों को, या आप बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, आपको इसके लिए बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए सर। और आपने बताया कि इनकी पेरेंट्स की तरफ से भी आपको अच्छा सपोर्ट मिला, लेकिन मैं बच्चों से जानना चाहूँगा कि आपको फैमिली से कैसा सपोर्ट मिला। कि नॉर्मली ऐसा होता है कि जब एक हमारा ये आपकी जो एज है, ये स्टडी करने की एज है, इस एज में हम स्टडी से हट के किसी स्पोर्ट्स की तरफ जब जाते हैं तो फैमिली से नॉर्मली होता है कि अपोज होता है, कि फैमिली से ये बोला जाता है कि अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, खेलकूद बाद में कर लेना, हमारे यहाँ का एक नेचर ऐसा ही है। तो आपको फैमिली से कैसे सपोर्ट मिला? सुखराज पहले आप बताइए। मैंने पहले बताया मुझे डॉक्टर ने बोला था जी, तो पहले मैं गेम में इतना ध्यान नहीं देता था, पहले मैं भी पढ़ाई के पीछे था जी। फिर मैं लॉकडाउन का टाइम था, डिस्ट्रिक्ट हुई, स्टेट हुई, मैं नेशनल गया, तो वो मेरी पहली नेशनल थी जी। वो नेशनल में मुझे सिल्वर आए थे दोनों मैच में, फेडरेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट की नेशनल। फर्स्ट टाइम में आपने सिल्वर लाया? हाँ, बहुत अच्छी, बहुत बड़ी बात। तो फिर मुझे गेम में इंटरेस्ट आने लगा जी। फिर मेरे फादर ने मुझे कहा कि मेरा रिस्पांस अच्छा है जी। तो मेरे फादर ने मुझे कहा कि अब जो भी टूर्नामेंट आ रही है आप जाओ, और मेहुल सर और अक्षय कुमार सर, इनकी मैनेजमेंट इतनी अच्छी है, कराटे वगैरह की मैनेजमेंट में खाना भी बाथरूम के पास होता है, यहाँ पे रूम्स एकदम पॉश होते हैं, बाथरूम पॉश होता है, खाना भी बहुत अच्छा होता है, सब फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है जी। बहुत अच्छा मैनेजमेंट होता है। फरहान, आपको फैमिली से कैसे सपोर्ट था? आपने जब घर पे बताया कि मुझे ये स्पोर्ट्स की तरफ जाना है, तो कैसे रिस्पांस आया घर से? पहले तो मैं सर के क्लास पे गया जी, उसमें मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि सब नया माहौल था। हाँ, ये नई चीज़ थी। नई चीज़ थी, थोड़ा डर लगता था। सर ने समझाया, क्या डरने का नहीं, सबसे बातचीत, वो दोस्त बने। फिर उसके बाद सर ने हर टूर्नामेंट में मेरा नाम डाला, और हमारे जो घर के पेरेंट्स थे उन्होंने भी हमें इस पर फुल सपोर्ट किया कि आप खेलो, कि सर जैसा बताते हैं सुन ले सर वैसा आप करो, और सर वैसी तो प्रैक्टिस कराते ही अच्छी। सर ने और इस पर हमें ध्यान दिया कि मैं तुम्हें और अच्छे से सिखाता हूँ, तुम हर टूर्नामेंट में जाओ, उसको खेलो, जीतना हारना तो चलता रहेगा, जब तक हारेंगे नहीं जब तक जीतेंगे नहीं। तो पहले मैं फिर डिस्ट्रिक्ट खेले थे हमने पहले शुरुआत में, उसके बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर गोल्ड मेडल हमने जीते थे, उसके बाद स्टेट के अंदर हमारा तीसरा मेडल आया था, ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज मेडल के लिए नेशनल में नेशनल नहीं खेल सकते, सिर्फ गोल्ड ही खेल सकता है नेशनल। तो ब्रॉन्ज के लिए दो चांस रहते हैं, एक फेडरेशन और एक अक्षय कुमार टूर्नामेंट। ये दो टूर्नामेंट सर ने बोले कि नेशनल में नंबर नहीं लगा तो ये दो टूर्नामेंट आप खेलो। घर वालों ने भी बोला है कि सर जैसा बोलते हैं वैसा करो, घर वालों ने साथ दिया, हम वहाँ तक गए। उसके बाद वहाँ पर जाने के बाद हमें मेडल नहीं लगा था, फर्स्ट टाइम था हमारा, उसके बाद हमारा मेडल नहीं लगा था। 2023-24 में हमें मेडल नहीं लगा था, 2024 फिर हमने दूसरे साल खेले, फिर हमें डिस्ट्रिक्ट के अंदर गोल्ड मेडल आया, उसके अंदर स्टेट के अंदर फिर हमने और गोल्ड मेडल लिया है, फिर हमें सेकंड ब्रॉन्ज से सीधा गोल्ड, सेकंड टाइम पे हमने गोल्ड लिया। उसके बाद नेशनल खेले, फिर हमारा नेशनल में नंबर लगा। नेशनल के अंदर हमारे तीन मैच होते, आपको पहले बताया मैंने, एक नेशनल, फेडरेशन, अक्षय कुमार, तो जो गोल्ड है वो नेशनल खेल सकता है। तो हमने नेशनल खेले, नेशनल में हमें सिल्वर मेडल आया, तो सिल्वर मेडल, और फेडरेशन के अंदर हमें ब्रॉन्ज मेडल आया था, और अक्षय कुमार के अंदर और सिल्वर मेडल हमने लिए। उसके बाद हम तीसरी टूर्नामेंट ये साल की 2024 की, इसमें हमने और स्टेट खेले, इसके अंदर हमें गोल्ड मेडल ही आया। उसके बाद नेशनल खेले, उसके बाद नेशनल में हमें गोल्ड मेडल आया, फिर इंटरनेशनल के लिए हमारा सिलेक्शन हुआ पुणे के अंदर, लोनावाड़ा, उसके अंदर हमारा सिलेक्शन हुआ, उसके अंदर हमने अच्छा परफॉर्मेंस किया, अच्छी फाइट करे। उसके बाद वो देखकर मेहुल सर, हमारे मेहुल सर, उन्होंने हमें देखा कि ये इंडिया के तरफ से खेल सकते हैं, तो उन्होंने हमें आगे भेजने की हमें आशीर्वाद दिया कि तुम आगे जाओ और खेलो इंडिया के तरफ से, और सर हमारा साथ देते हैं और हमेशा देते आएंगे इंशाल्लाह।
सर जैसा कि इन्होंने बताया कि स्टेट खेला, डिस्ट्रिक्ट खेला, हर जगह गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज कुछ ना कुछ मिलता रहा, सर जो स्टेट लेवल पर भी या डिस्ट्रिक्ट में और नेशनल लेवल पर तो पूरे इंडिया से अलग अलग हर तरफ से बच्चे बहुत सारे आते होंगे, उसमें आपकी क्लास के बच्चे हर बार कोई ना कोई मेडल ला ही रहे हैं, कभी ऐसे खाली हाथ नहीं आ रहे, तो सर आपको बहुत बच्चों पर प्राउड फील होता होगा और आपकी मेहनत भी होगी इसके पीछे, आपने इनको कैसी तैयारी करवाई? सर मैं आज संडे संडे के दिन भी मेरा वर्कशॉप होता है जी, मॉर्निंग का भी होता है और शाम का भी होता है, दोनों समय पे मैं बच्चों का क्लास लेता हूँ, मैं छुट्टी देता नहीं हूँ, सिर्फ मेरे क्लास में छुट्टी सर दसरा और दिवाली ये दो ही दिन छुट्टी रहती है, बाकी मैं 12 महीने क्लासेस लेने में इंटरेस्ट रखता हूँ और बच्चों को सिखाने में इंटरेस्ट रखता हूँ, और इनसे जो भी मुझे सिखाया जाता है आगे वो पूरा कर लेता हूँ। इनको सिखाने के पहले मुझे मेरा ट्रेनिंग सेशन लगता है, बार बार हम लोगों को ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है, कहीं रेफरी सेमिनार लगता है, कहीं कोच सेमिनार लगता है, तो उस ट्रेनिंग करने के बाद में जो मुझे वहाँ से मिलता है, जो मेरे सर है मेहुल वोरा सर जो हमको ट्रेनिंग देते हैं, और उधर से लाने के बाद में इन बच्चों को मैं डोजो के अंदर, डोजो बोले तो हमारा एक क्लास होता है, वो क्लास के अंदर ये बच्चों को हम लोग कंटिन्यू ट्रेनिंग देते रहते हैं, और ये बच्चे भी मेहनत अच्छी करते करके आज इस मुकाम पर ये लोग पहुँचे। सर जब ये जो बच्चे जिस उस्ताद ने इन बच्चों को इस काबिल बनाया, तो उस उस्ताद का भी कोई बैकग्राउंड होगा, आप अपनी अचीवमेंट्स क्या है अपनी लाइफ की, मैं चाहता हूँ हमें भी बताएं, हमारे व्यूवर्स को भी हमारे चैनल के जरिए बताएं। मैं पिछले 30-35 साल से मार्शल आर्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जैसा पहले बताया कि 2010-11 से मैं कूडो ये मार्शल आर्ट से ज्वाइन हुआ हूँ हांसी मेहुल वोरा सर के साथ में, और आज मैं कूडो NBSI का 4-degree ब्लैक बेल्ट हूँ विदर्भ में, और रेफरी ग्रेड मेरा बी है, नेशनल रेफरी बी, ये मेरा अचीवमेंट है कूडो के लिए, और लगातार कंटिन्यू मैं करते जा रहा हूँ, आगे भी एग्ज़ाम होने वाली है, आगे भी कई एग्ज़ाम हमें देना है और मैं देते रहूँगा और ये बच्चों को प्रैक्टिस करवाते रहूँगा। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जब ये इतना बड़ा स्पोर्ट्स आप खेलते हैं, ये मेहनत का गेम है, तो इसके लिए बहुत मेहनत लगती होगी, आप कैसे ये मेहनत करते थे, कितना टाइम देते, कैसे करते थे ये मैनेज? सबसे पहले अभी 8 से 9, 8 से 3 बजे तक तो हमारी स्कूल होती है जी, वहाँ से घर पे आते। कौन सी क्लास में आप? मैं 6th। अभी 6th स्टैंडर्ड में, और आप इंटरनेशनल में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, आपके पेरेंट्स के लिए बहुत प्राउड है, हमारे लिए भी बहुत प्राउड बात है, ये 6th स्टैंडर्ड का एक बच्चा इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहा है हमारे शहर से। खाना वगैरह खा के थोड़ा रेस्ट किया जी, ट्यूशन चल गए 4 से 6, फिर 6 बजे डायरेक्ट क्लास पे आए, प्रैक्टिस की 8 बजे तक के, 6 से 8 जी, फिर वहाँ से घर पे 6 से 8 डेली आप प्रैक्टिस करते हैं, और वो उस 2 घंटे में सर आपको कितना ट्रेन करवा देते हैं, आपका कैसा शेड्यूल होता है, प्रैक्टिस कब करते, कितना टाइम देते स्पोर्ट्स को? पहले तो मैं बच्चे थे, जो बच्चे रहते तो वो थोड़ा प्रैक्टिस के करने के लिए थोड़ा वो करते हिचके जाते, तो जिस दिन भी सर छुट्टी रहती है, जैसा दिवाली की छुट्टी है और दूसरे जो छुट्टी आते हैं बीच में, तो सर हमारा टाइम तो शाम से 6 से 8:30 तक है लगभग, 6 से 8:30 राइट 6 बजे हमारे क्लास दोनों शुरू हो जाते हैं, तो और एक्स्ट्रा की सर क्लास लेते हैं सुबह में, जिस दिन भी छुट्टी आई सर, एक भी छुट्टी को सर तो वैसे भी छुट्टी देते नहीं है, और जिस दिन छुट्टी आई तो सर उस दिन सुबह का क्लास रखते हैं कि बच्चे इसके अंदर और कुछ सीखेंगे और इससे ज़्यादा सीखेंगे, तो सर हमारी सुबह 6 से 10-11 बजे तक की ऐसी ट्रेनिंग लेते हैं, उसके अंदर फाइट दूसरी और चीज़ होती है, और जो एक्स्ट्रा की चीज़ है वो सर हमें बताते हैं, जैसा कि सर ने बोला वो ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, तो सर वहाँ से आए बाद जो ट्रेनिंग सर को वहाँ पर दी जाती है वैसे ही सर हमें बताते हैं कि आपको ये रूल्स चेंज हुए हैं, ये किक्स पे, ये पंच पे, ये पॉइंट हमारे कम हुए हैं, ज़्यादा हुए हैं, तो सर कोई भी दिन ऐसा छोड़ते नहीं है, क्या संडे के दिन पे सर छोड़ते नहीं, हाँ डेली ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि बच्चे जितना ट्रेनिंग करेंगे उतने ऊपर जाएंगे, तो वो बेस पे हम आज तक हम सर का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं सोनले सर हमारे, कि उन्होंने हमें एक्स्ट्रा की ट्रेनिंग दी है सुबह शाम में, सर बोलते हैं कि आप कभी भी आओ ट्रेनिंग के लिए सुबह में, मैं तैयार हूँ, लेकिन बच्चों के स्कूल्स ट्यूशन्स वगैरह के लिए थोड़ा टाइम बच्चों को नहीं मिलता है, इसलिए सर ने हमें बोले कि आप सुबह में भी आओ, हम सुबह में आपको ट्रेनिंग देंगे, शाम में तो हमारी ट्रेनिंग चलती है, लेकिन सर बोले आप सुबह में आएंगे तो मैं सुबह में आपको ट्रेनिंग दूंगा, ऐसा सवार का हमारा कहना है। आप
सर जितना टाइम मांगते हैं आप उतना टाइम पूरा देते हैं, और जब भी आप आते हैं सर आपके लिए हमेशा हाजिर है। बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ाई के साथ साथ ये मैनेज कर लेते हो, साथ में पढ़ाई भी चल रही है अच्छे से, स्टडीज भी चल रही है साथ। सर अभी आप ये बच्चे अभी यूरोप के लिए सिलेक्ट हुए, हमने देखा अभी हमारे शहर में भी इनके जगह जगह सत्कार हो रहे हैं, और हमने शहर में बैनर्स भी लगे देखे आपके इन बच्चों के। सर यूरोप में जहाँ पर ये खेलने के लिए जाएंगे वहाँ और कौन कहाँ कहाँ से बच्चे आएंगे, किन से इनका मुकाबला होगा? सर देखो इंटरनेशनल लेवल पे है तो इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा है, वहाँ पर जापान कर रहा है, श्रीलंका कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया करने वाला है, ऐसे अनगिनत जितनी भी कंट्रीज है, लगभग 15 से 20 कंट्री वहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाली है। और इनके वजन के हिसाब से जैसा सुखराज सिंह है ये 75 kg के अंदर पार्टिसिपेट करने वाला है, ये 270 वेट कैटेगरी के PI के अंदर पार्टिसिपेट करने वाला है। तो कंपटीशन तो टफ होने वाली है, लेकिन ये लोग भी कमज़ोर नहीं है, ये इंडिया का नाम रोशन करने वाले, क्योंकि साथ में इनके हमारे बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार सर का नाम जुड़ा है, मेरे कोच मेहुल वोरा सर का नाम जुड़ा है, तो ये बिल्कुल वहाँ पर टफ कंपटीशन देने वाले हैं। बिल्कुल सर, जब इतना यहाँ से लेकर नेशनल तक के इन्होंने टफ कंपटीशन दिया, इतने गोल्ड सिल्वर मेडल्स लाए, तो वहाँ भी हमें इनसे पूरा उम्मीद है कि ये वहाँ पर भी अपना बेहतर देंगे। सर इनके साथ साथ और कितने बच्चे और भी कोई बच्चे हमारे इंडिया से सिलेक्ट हुए, कहाँ से सिलेक्ट हुए? कुछ बॉम्बे के हैं 2 बच्चे और 2 यहाँ से है, लगभग 24 के आसपास पूरी इंडिया की टीम जा रही है। तो हम लोग यहाँ से 15 तारीख को सेगांव रेलवे स्टेशन से बॉम्बे के लिए रवाना होने वाले हैं, और 16 तारीख को हम लोग बॉम्बे पहुँच जाएंगे। शायद से 16 तारीख को मेरे सर ने जो बताया कि अक्षय कुमार सर से मुलाकात इन लोगों की होने वाली है, तो 16 को अक्षय सर के साथ में इनकी मुलाकात होगी, और 17 तारीख को ये लोग टेकअप करेंगे बॉम्बे से आर्मेनिया के लिए। सर महाराष्ट्र से 4 ही बच्चे सिलेक्ट हुए, जिनमें से 2 बच्चे हमारे एरिया के, 2 मुंबई के आपने बताया, तो ये पूरे विदर्भ हमारे एरिया के सिर्फ 2 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, बहुत बड़ी बात है इनके लिए। सर इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे ये बच्चे हैं अभी आज इनको देखेंगे ये इतनी बड़ी लेवल पे जा रहे, तो और भी बच्चे इससे इंस्पायर हो गए, लेकिन लोग चाहते हैं कि किसी भी फील्ड में जाए तो उसका कुछ फ्यूचर हो, तो इसमें इस स्पोर्ट्स में फ्यूचर क्या है सर? सर मैं आपको बहुत अच्छी बात आपने पूछी मुझे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में हमारे 4 बच्चे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लग चुके हैं इस फील्ड के जरिए, इस फील्ड के नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे हैं, और एक लड़के का नाम सोहेल खान है जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है, और 2 बच्चे मध्य प्रदेश से और 2 हिमाचल प्रदेश से, ये चारों के चारों बच्चे इनकम टैक्स मुंबई ऑफिस में लग चुके हैं, और ये लोगों को भी पता है, ये लोग मिल चुके हैं उनको, और अभी हाल ही में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी 4 बच्चे हमारे अरुणाचल प्रदेश के लग गए, तो ये बच्चों का फ्यूचर है, ये हमारे बच्चों की मेहनत है, और सबसे पहले इसका जो श्रेय जाता है हमारे अक्षय कुमार सर और मेहुल वोरा सर को, जिन्होंने इस कूड़ों को इंडिया के अंदर लाया और इन बच्चों तक पहुंचाया, ताकि बच्चों को डायरेक्ट अभी नियुक्ति हो रही है, इसके अंदर कोई एग्जाम नहीं है, कोई राइटिंग पेपर नहीं है, ठेठ नियुक्ति है आपका, अगर गोल्ड मेडल है, राष्ट्रीय चैंपियन है, तो आपने अगर फॉर्म भरा है तो आपको सीधी नौकरी गवर्नमेंट की जॉब लग रही है। गवर्नमेंट जॉब के लिए लोग तरह तरह की एग्जाम दे रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत टफ कंपटीशन होता है, लेकिन ये भी अपनी फील्ड में टफ मेहनत कर रहे हैं, तो इनको इसका रिजल्ट वहाँ भी मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है सर। सर जब ये बच्चे स्पोर्ट्स खेलते हैं यहाँ से इतनी लेवल पे जाने, तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट होता है? जी नहीं, अभी गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों को कोई सपोर्ट नहीं है। अभी हाल ही में मैंने एक डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट का आयोजन किया था, यहाँ पर बच्चों को हम लोगों ने एक 8 साइकिल गिफ्ट हमारे तरफ से की थी, तो उसके भी डोनर थे, कुछ डोनर ने मुझे साइकिल दी थी, तो वो डोनर की वजह से बच्चों को साइकिल गिफ्ट मिली। गवर्नमेंट के तरफ से अभी हम लोगों को कोई निधि नहीं है, लेकिन हाल ही में मैंने अपने जो MLA है आकाश दादा फूनकर, उनसे बात की थी, तो वो टूर्नामेंट में आए थे, उन्होंने बताया था कि कूड़ों के लिए मैं बहुत जल्द आप लोगों को एक बहुत अच्छा एक हॉल बना के देने की कोशिश कर रहा हूँ, और उन्होंने हमें वचन भी दिया कि मैं जल्द से जल्द आप लोगों को खामगांव शहर में कूड़ों की प्रैक्टिस के लिए, महिलाओं की प्रैक्टिस के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए एक हॉल की निर्मित में करने वाला हूँ। आपको हमारे यहाँ के करंट MLA ने सपोर्ट दिखाया, आप गवर्नमेंट से भी कोई रिक्वेस्ट करेंगे इन बच्चों के लिए, इन जैसे और जो बच्चे खेल रहे हैं उनके लिए? जी, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करने के लिए हमारे ऊपर जो हंसी मेहुल वाला सर बैठे वो बिल्कुल फेस टू फेस काम करते हैं, वो उनके थ्रू ही होने वाला है, क्योंकि हम लोग तो डिस्ट्रिक्ट में हैं, हम लोग ये नहीं कर पाएंगे कि नेशनल
बॉडी को हम लोग नहीं बोल पाएंगे या नेशनल गवर्नमेंट को आपके पास बहुत बड़ा नाम है अक्षय कुमार सर, अगर अक्षय कुमार सर का सपोर्ट रहा और उन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की तो जरूर गवर्नमेंट को बिल्कुल हम भी चाहेंगे कि गवर्नमेंट का भी इस तरफ ध्यान जाए, ये बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी पढ़ाई के साथ में इस चीज को मैनेज करना और एक नया स्पोर्ट्स खेलना जो कि हमारे नॉर्मल स्पोर्ट्स से अलग है कि जो आज के बच्चे जिसकी तरफ ध्यान दे रहे उससे हटके कुछ कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट्स मिलना चाहिए। आपने शुरू में ही बताया कि जो भी इनको खर्चा होता है जाने के लिए इनके पेरेंट्स खुद उठाते हैं, पेरेंट्स पहली बात तो गेम खेलने के लिए अलाउ कर रहे हैं यही एक बड़ी बात है, इनके पेरेंट्स ने सपोर्ट किया तो ये इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इन बच्चों के लिए कुछ हेल्प की जाए। सर इसके साथ सर से तो हम बात करेंगे, पहले मैं बच्चों से कहना चाहूँगा कि आपके दोस्त आपके साथ में जो बच्चे रहते हैं दोस्त स्कूल में साथ में रहते हैं, क्या आप उनको इन्वाइट करते हैं इस गेम के लिए, कैसे उनको मनाते हैं कि ये गेम खेलने के लिए आइए? बहुत बार मनाया है पर उनके पेरेंट्स नहीं बोलते। अच्छा, बच्चे इसकी तरफ नहीं आते? हाँ। तो आप क्या करेंगे बच्चों को, कैसे चाहेंगे, क्या एक मैसेज देंगे बच्चों को इसके लिए, कुछ मैसेज दीजिए हमारे चैनल के जरिए बच्चों को इस स्पोर्ट्स के बारे में बताइए और इधर आकर्षित करने के लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से? सबसे पहली बात, कूडो ये स्पोर्ट्स लेडीज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जी, सेल्फ डिफेंस आपको भी पता है बहुत कुछ चालू है। हाँ। ये स्पोर्ट्स लेडीज के लिए छोटे बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, सेल्फ डिफेंस होता है, अच्छी प्रैक्टिस होती है, बच्चे इसमें मजे से खेल सकते हैं, फाइट होती है, रोल्स होते हैं, मजा भी आता है साथ हाँ, में खेलने मजा में। भी आता है हार्ड वर्क के साथ साथ मजा भी, हार जीत होती है, हार जीत के हर गेम में मजा है। आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए जो अभी इस चीज से दूर है? बच्चे तो इस चीज़ से दूर है क्योंकि आपने पहले बोला क्रिकेट फुटबॉल ये खेलते हैं बच्चे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट खेलते हैं, डिस्ट्रिक्ट से वापस नीचे आए थे, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर आज तक के मैंने कहीं देखा नहीं क्या, अपने इधर के इतने एरिया में के बच्चे ऊपर गए हैं, कूडो में हम ऊपर गए हैं और अभी इंटरनेशनल को लिए हम जा रहे हैं, तो बच्चे ये देख कर थोड़ा इमोशनल होते क्या, तुम ये कैसा कर सकते हो, तुम तो पहले ऐसे थे, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था कुछ, तुम ऐसे ही घूमते थे फिरते थे के, तो तुम इधर इतने ऊपर कैसा जा रहे हैं, हमारे महल्ले हमारे तरफ हमें गांव के लोग बोलते हैं ऐसा हमें, तो हमने उनको कहा कि पहले तो हम 10th तक के मैंने बताया आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था हमें, तो हमारे अबू ने सोने सर के पास डाले हमें, तो हमने कुछ बच्चों को बोला था कि आप भी लगा लो हमारे साथ साथ, आप भी लगा लो क्योंकि सब साथ में रहते हैं दोस्त, तो थोड़ा एक दूसरे को देख के इंटरेस्ट आता है कि ये ऐसा कर रहा है मैं इससे ऊँचा करूँगा, तो हमने बच्चों को बोला था, तो वैसा बच्चों का परफॉर्मेंस हमें दिखा नहीं, लेकिन हम चाहेंगे कि जैसे ये बच्चे हमारे शहर से छोटा सा एक छोटा शहर इतने बड़े हिंदुस्तान में वहाँ से पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं, तो जो भी और भी है तो बच्चे जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं या नहीं भी रखते हो तो स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट ले, पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स भी हो सकता है, इन बच्चों ने दिखाया कि हमारे सुखराज भाई सिर्फ 6th स्टैंडर्ड में है, पढ़ाई भी साथ में कर रहे हैं और स्पोर्ट्स भी कर रहे हैं, तो हम भी पढ़ाई के साथ साथ इन चीज़ों में भी ध्यान दें, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि ये बहुत ज़रूरी है, सेल्फ डिफेंस भी इसमें होता है और साथ में हमारे स्पोर्ट भी हो रहा है, फिटनेस भी रह रही है। सर हमारे शहर में इस चीज़ के लिए आपने एक प्लेटफॉर्म दिया बच्चों को, एक आपकी क्लासेस शुरू की, तो मैं चाहूँगा कि आपकी क्लासेस क्या है, कैसी क्लासेस है, कौन सी क्लास है और इसमें क्या क्या होता है, ये हमारे चैनल के जरिए आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। मिक्स मार्शल आर्ट कूडो के अंदर हम लोग 5 साल से बच्चों को लेते हैं जी, 5 साल की उम्र से बच्चे हम सिखाते हैं, फिर 5 साल से ऊपर कितने भी आ जाओ, 50 का भी आ गया तो हम लोग ट्रेनिंग करवा लेते हैं, तो लगभग 30-35 साल से ये सिस्टम चलते आ रहा, लेकिन इसके पहले जब मैं करता था मार्शल आर्ट ही करता था, कराटे करता था, लेकिन कराटे को वैल्यू नहीं है, कराटे के 10-10 संगठन यहाँ पर बन चुके हैं और उसके बाद में फिर हम लोगों ने 2010-11 के अंदर कूडो को ज्वाइन किया और कूडो अभी तक के करते आ रहे हैं और आखिरी तक के यही गेम हम लोगों को करना है, पूरे बुल्ढाने जिले में हम लोगों को कूडो का प्रसार और प्रसार करना है और अच्छे से बच्चों को नौकरी लग जाए, बस यही हमारी इच्छा है कि इस गेम के थ्रू बच्चे खेले भी और कूदे भी और नौकरी भी ले और पेरेंट्स को भी खुशी हुई कि मेरे बच्चों को इस गेम से नौकरी लगी है। तो सर आपका आपकी तरफ से कोई मैसेज बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए? पेरेंट्स को मैसेज क्या दूँ, पेरेंट्स मेरे पास में जो भी बच्चे हैं वो पेरेंट्स
मेरे पास 6 बजे ला के छोड़ देते कि पेरेंट्स बोलते कि सर अगर आपके पास में है तो हम निश्चिंत है, क्योंकि 2 घंटे पेरेंट्स के पास में बच्चे नहीं रहते, बच्चे मेरे पास में ही रहते। और मैं चाहता हूँ कि पूरे गांव के खामगांव शहर के बच्चे और लड़कियाँ मार्शल आर्ट सीखे और अपना सेल्फ डिफेंस खुद कर सके, क्योंकि 10वीं 12वीं के बाद में जनरली क्या होता है पुणे बॉम्बे बच्चे पढ़ने चले जाते हैं और वहाँ पर जो एक माहौल होता है सिटी का, वो गांव का माहौल और सिटी के माहौल में बहुत फर्क हो जाता है। यहाँ से जो जाकुडो सीख के जाने वाला जो बच्चा रहता उसको कॉन्फिडेंस लेवल उसका बहुत बढ़ जाता है, वो अकेला भी रूम में रह सकता, गर्ल्स भी अकेली रूम में रह के उसका सेल्फ डिफेंस कर सकती कहीं पे भी जाके। इसलिए कूडो ही करना चाहिए और पेरेंट्स ने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा भेजना चाहिए, पढ़ाई कराइए, स्टडी कराइए, ट्यूशन भी लगाइए, लेकिन ट्यूशन के साथ में बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि चाइना में अगर हमने देखा कि कंपलसरी वहाँ पर मार्शल आर्ट है बच्चों को, स्कूल में भी मार्शल आर्ट सिखाते, ये अभी सिस्टम हमारे पास में नहीं है। हम लोग चाहेंगे, अक्षय सर तो कोशिश ही कर रहे हैं कि इसको हर स्कूल के अंदर कंपलसरी करें। सर ये प्लेटफॉर्म हमारे शहर के लिए स्पेशली आपके पास में अवेलेबल है, तो आपकी क्लासेस कहाँ होती है, कब होती है, क्या इसको ज्वाइन करने के लिए मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल के जरिए से बताइए जो ज्वाइन करना चाहते हैं। जी हमारे 2 ब्रांच है, मिक्स मार्शल आर्ट कम्बैट कूडो स्पोर्ट, एक ये जहाँ पर हम लोग आज इंटरव्यू कर रहे हैं यहाँ पर एक क्लास है शिविर लाइन में डॉक्टर बावास्कर के एग्जैक्ट सामने, और दूसरी मेरी पहली जो ब्रांच है जेवी मेहता विद्यालय के सामने अंबिका क्रीड़ा मंडल, यहाँ पर रेगुलर चलती है। ये 2 ब्रांच मेरे खामगांव शहर में चलते हैं और इसके अलावा 3री ब्रांच खामगांव शहर में नहीं है, खामगांव में मार्शल आर्ट के नाम से ठगी करने वाले भी बहुत से कोचेस मैंने देखे जिले के अंदर, जिनको कुछ नहीं आता वो भी बोलते कि हम लोग सेल्फ डिफेंस सिखाते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सेल्फ डिफेंस सीखने के तरीके रहते हैं प्रॉपरली, उस चीज़ को अगर लेके गए तभी बच्चे आपके पास में पढ़ लेंगे वहाँ से। तो ये थे हमारे राजेश सोनले सर, सुखराज चौहान जी और हमारे फरहान भाई, जिनसे हमने देखा कि कैसे इस स्पोर्ट्स में वो इस छोटी लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक गए, हमारे छोटे गांव से लेकर इंटरनेशनल तक के वो गए और उन्होंने हमारे गांव का नाम रोशन किया, हमारे शहर का नाम रोशन किया, हमारे डिस्ट्रिक्ट को और पूरे विदर्भ को, महाराष्ट्र को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर ने उनके जरिए एक मैसेज दिया कि हम चाहते हैं कि सब बच्चे इसको ज्वाइन करें, हर बच्चे बड़े पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की कि अपने बच्चों को इस क्लास के लिए बताए। हमारे यहाँ पर एक सर की क्लास अवेलेबल है, तो हमें हमारे पास अपॉर्चुनिटी है तो हमने इसको हाथ करना चाहिए, इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना चाहिए। सोनले सर बहुत एक्सपीरियंस है, उन्होंने बताया वो ब्लैक बेल्ट है, उनके अचीवमेंट्स बताए, इतने अच्छे कोच अगर हमारे पास अवेलेबल है तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ के बच्चे भी इससे फ़ायदा ज़रूर उठें। सर आपसे बात करके, फरहान भाई, सुखराज भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत खुशी हुई कि आपने इतनी बड़ी लेवल पे हमारे गांव का नाम रोशन किया। हम चाहेंगे, हमें आपसे पूरी उम्मीद है कि आप वहां जाकर भी ज़रूर गोल्ड मेडल लाएंगे, गोल्ड से कम की हमको आपसे उम्मीद नहीं है, और आपका कॉन्फिडेंस देख के हमें बिल्कुल लगा आप वहां से गोल्ड लेकर आएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, आपको बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से, हमारे सारे व्यूवर्स की तरफ से, सारे शहर की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। थैंक यू। अभी आपने देखा कि हमने फरहान से बात की, सुखराज से बात की, उनका फैमिली सपोर्ट कैसा रहा इसके बारे में जाना। हमारे साथ में आज सुखराज चौहान के पप्पा भी मौजूद है। एक हमारे समाज में एक आम बात ऐसी होती है, एक नॉर्मली लोगों की एक ऐसी सोच बनी हुई है अंकल की, जो पैसे वालों के बच्चे हैं वो ये करे कि भाई गरीब का बच्चा है तो वो सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस कर ले, ये बहुत बड़ी बात है, ये शौक पैसे वालों के शौक होते हैं। तो सुखराज के पापा हमारे साथ है, वो हमसे कुछ बात करना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं, मैं चाहूँगा कि वो अपनी बात आपके सामने रखे। मैं एक जनरल मजदूर आदमी है, मैं होटल लाइन में काम करता हूँ, स्वागत वाइन बार उंदरी में, वहाँ मैं वेटरशिप का काम करता हूँ। मेरा बच्चा खेलता था, घर को बदमाशी करता था, राजेश सर ने मुझे आदेश करा कि भाई तेरे बच्चों को मेरे पास भेज, मैंने उनको वहाँ भेजा, खेलते खेलते मेरा बच्चा आज नेशनल से इंटरनेशनल लेवल पे चले गया। मैं होटल की मोल मजदूरी करके और मेरे सेठ के सपोर्ट से और राजेश सर के बदौलत भाई इधर उधर से पैसे जमा करके मैंने मेरे बच्चों को भेजा है। तो मेरे सभी पेरेंट्स से, सभी बच्चों से एक नम्र निवेदन है कि आप भी आपके बच्चों को ऐसा बनाओ। एक गरीब का बच्चा ऊपर जा सकता है तो पैसे वाले का बच्चा भी जा सकता है। आप ये मत विचार करो कि भाई हमारे पास पैसा है हम कुछ भी करेंगे। जो गरीब का बच्चा खेल कूद कर नाम कमा सकता है, वो पैसे वालों का बच्चा घर पे बैठ के नाम नहीं कमा सकता है।
इसीलिए मेरी सब पेरेंट्स से सभी से निवेदन है कि बच्चों को भेजो। घर पे आके बच्चे बोलते हैं कि पापा मैं थक चुका हूँ, दूसरे दिन मत भेजो, पर उसको लाके ये करो। पूरे विदर्भ में राजेश सोनले सर सर का एक ऐसा सर है कि जिनके हम आदर से निवेदन और उनको गुरु मानते हैं कि उनके सर का कोई प्रशिक्षण पूरे महाराष्ट्र में दे नहीं सकता, जो पूरे 8 दिन प्रशिक्षण देते हैं। इसीलिए मैंने मेरे बच्चों को वहाँ भेजा और मैं 24 घंटे उंदरी में रह के एक मोल मजदूरी करके मैंने मेरे बच्चों को यहाँ भेजा। यही मेरी सबसे नम्र निवेदन। ये सुखराज के पापा है जिन्होंने बताया है कि ये एक होटल में काम करते हैं, ये होटल में काम करके अपना घर भी चलाकर अपने बच्चे के स्पोर्ट्स पे भी पैसे खर्चा कर रहे हैं। तो जब वो इतनी मेहनत करके भी अपने बच्चे को यहाँ तक भेज सकते हैं, उनका बच्चा इंटरनेशनल खेल के जा रहा है, उनके लिए कितनी प्राउड की बात होगी, कितने फ़ख्र की बात होगी कि उनका बच्चा इतनी मेहनत करके इस लेवल से इंटरनेशनल खेलने के लिए जा रहा है, यूरोप में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके बच्चे भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा मैसेज अंकल ने दिया। तो हम ज़रूर चाहेंगे कि अपने बच्चों को भी इससे जोड़े। अंकल आपको भी हमारी तरफ से बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत, और सर का धन्यवाद एक बार और, जो सर ने बच्चों को प्रशिक्षण दिया। मैं सभी को बार बार वही बोल रहा हूँ कि राजेश सोनले सर के पास जो बच्चा जाएगा उसके पेरेंट ने ऐसा समझ जाना कि अपना बच्चा राजेश सोनले सर को दिया हुआ है, तो तुम्हारा बच्चा एक दिन देश में नाम कमाएगा। जैसा मैंने मेरे बच्चों को दिया और फरहान के पिताजी ने फरहान को छोड़ दिया भाई, हमने ऐसा छोड़ दिया कि ये बच्चे सर आपके ही है, आप जो प्रशिक्षण देंगे वो देंगे, हम मोल मजदूरी करेंगे, पर आपकी कुछ जैसी बराबरी होंगी वैसे हम करके हम हमारे बच्चों को नाम कमाएंगे। सर ने हमको आश्वासन दिया था, तुम अड़ी अड़चन को मेरे को बोलो, मैं पैसे भी लगा था, कुछ कम ज़्यादा गिरा तो सर ने भरे, उसी लिए हम सर के उपकार मंद है। और सभी बच्चों को और सभी पेरेंट्स को मेरे से यही निवेदन है कि खिलाना है तो कूड़ो मार्शल आर्ट खिलाओ, जिसमें बच्चों की लाइफ बनेंगी और बच्चे जल्दी नौकरी पर लगेंगे। तुम्हारे को एक रुपया किसी को देने का काम नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, कोई बात नहीं, ये मर्दांगी खेल है, आमने सामने लड़ो और अपनी किस्मत आजमाओ। चलिए थैंक यू।